सो हेलो गाइस, आपको भी पता ही होगा ना कि ये है हमारी प्यारी सी खटारा कार। वैसे भाई इसको खटारा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भाई हम इस पे अत्याचार इतने ज़्यादा करते हैं ना, फिर भी ये चलती है वो भी अच्छी बात है। क्या लगता है आपको? और भाई यहाँ पे होता क्या, कभी कभी वीडियो शूट हो रहा है ना तो कभी कभी इस पे डेंट आ जाते हैं, कभी कभी ये कहीं पे टकरा जाती है, इस पे क्रेक्स आ जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये जो विंडशील्ड में आप सारे क्रेक देख रहे हैं ना, ये कभी नहीं थे। एक हल्का सा क्रेक हमने कर दिया गलती से, और बाद में हुआ क्या, हमने उसको कर दिया इग्नोर कि भाई चलो छोटा सा ही क्रेक है ना। और बाद में जैसे हमने इसको चलाया, धीरे धीरे क्रेक्स बढ़ते गए, और अभी तो आप देख सकते हो पूरी विंडशील्ड में क्रेक आ चुके हैं। और भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी की कार मांगी हुई है कि भाई मुझे एक दिन के लिए कार दे दे तू, और भाई गलती से आप ऐसा कुछ कर बैठते हैं, कोई और कर बैठता है, उस पर पत्थर मार देता है और कुछ हो जाता है और उस पर क्रेक आ जाता है। तो भाई अभी तो आपके पसीने छूट रहे ना, तो एक चीज़ आपको बचा सकती है और वो है ये वाली विंडशील्ड रिपेयर किट। अभी देखते हैं कि ये काम करती है या नहीं। ये जो क्रेक्स होते हैं ना सारे के सारे, कंपनी ऐसा बोलती है कि सारे के सारे क्रेक्स वैसे के वैसे हो सकते हैं जैसे कि पहले, मतलब अच्छे से बन सकती है। पूरे क्रेक्स आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कि यहाँ पे क्रेक कहाँ था, अच्छे से रिपेयर हो जाएगा इस किट की मदद से। क्या लगता है आपको, ये सच में काम करेगी या नहीं? आज का वीडियो हम देखने वाले हैं। भाई जो भी होगा ना, मज़ा काफ़ी आने वाला है आज के वीडियो में, और देखते हैं कि हमारी ये कार वापस से पहले जैसी होती है या नहीं। तो भाई इस आइडिया के लिए लाइक तो ज़रूर से बनता ही है ना, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। टारगेट रखते हैं 15,000 लाइक का, आई होप इतनी लाइक आप फटाफट से करवा देंगे। और इसको अभी करते हैं हम अनबॉक्स और देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। सो गाइस जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर अभी देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। ओके, सबसे बेकार अनबॉक्सिंग हो गई है इसकी। तो भाई यहाँ पे आपको कुछ, जैसे आपको पता ही होगा कि कुछ इंस्ट्रक्शन मैन्यूल वगैरह देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का, जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप रिपेयर कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको मिलता है एक रेजर ब्लेड, इसको भी अभी साइड में रख देते हैं। और ये है कुछ प्लास्टिक के कवर्स वगैरह कुछ है, जिसको हमें बाद में ऊपर लगाना है। ओके, ये चीज़ हो गई। सो गाइस ये चीज़ उस काम में आती है जो बुलजाय क्रैक होते हैं ना, एकदम गोल क्रैक होते हैं, कोई चीज़ लग गई है और वो क्रैक, तो क्या करना है, ये जो हिस्सा है एकदम क्रैक के ऊपर रखना है। ओके, और इसको आपको वजन दे के यहाँ पे नॉर्मली चिपका देना है कुछ इस तरीके से। बाद में ये जो ड्रॉप्स होते हैं, ओके, रेजिन होता है, थोड़ी सी मात्रा में आपको इसमें डाल देना है। बट हमारा कोई ऐसा क्रैक है नहीं, तो भाई हम ही रिपेयर करेंगे ये वाला जो आप क्रैक देख रहे हो ना, दिख रहा है अच्छे से, ये जो क्रैक है, ओके देख लीजिए ये क्रैक, इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। ओके, ये है हमारा रेजिन, इसको हम खोल लेते हैं कुछ इस तरीके से भाई। ओके, और भाई हल्के हाथ से आपको कांच को बाहर की ओर प्रेस करना है अगर वो क्रैक बाहर से है। ओके, तो भाई कुछ इस तरीके से देखिए, ये मैंने प्रेस किया, ओके अभी क्या करेंगे, रेजिन को रख देंगे साइड में। अभी ये जो सीट साइड थी ना साथ में, देखो ये वाली, इसको लगा देंगे इसके ऊपर, देखो कुछ इस तरीके से। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है। अभी क्या करना है पता है आपको, 10-15 मिनट तक इसे आपको छांव में रखना है, समझ गए, 10-15 मिनट तक छांव में रखेंगे। बाद में 10-15 मिनट तक आपको इसको धूप में रखना है। ओके, यूवी जो सनलाइट आती है ये बहुत ही ज़रूरी होती है क्रेक हिल करने के लिए। तो अभी मिलते हैं 10 मिनट के बाद में। सो गाइस अभी छांव में 15 मिनट हो गए थे, अभी 15-20 मिनट तक हम गाड़ी को ले आए हैं धूप में। ओके, तो धूप में अभी हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और बाद में चेक करते हैं कि भाई कितने क्रेक जो हो हिल हुए। सो गाइस अभी धूप में भी 15 मिनट से ऊपर हमने इसको रख दिया है, और अभी चेक करने वाले हैं कि ये क्रेक्स रिपेयर हुए या नहीं। और भाई लगे हाथों हमने यहाँ पे भी सारी चीज़ें लगा दी थी। ओके, तो देखना शुरू करते हैं कुछ यहाँ से, और रेजर ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं हम इसको निकालने के लिए। ओ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रेक हील हो चुका है। देखिए अभी देखते हैं तो अंदाज़ा लग जाएगा पूरा का पूरा। ओके, सो बहुत सारे हमने लगाए थे। ओके, अभी इसको यहाँ पे साफ कर देंगे थोड़ा बहुत। ओके, जो ग्लू था इसका कुछ इस तरीके से हिस्सा बचा रह जाता है। ओके गाइस, देख रहे हो जो क्रेक था जो कि बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था, दिख रहा है अभी देखो एकदम गायब सा हो चुका है। भाई यहाँ तक हमने पूरा रिपेयर किया था, बट ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली रिपेयर नहीं हुई है।
देख रहे हो, यहाँ तक नहीं हुआ, हमने यहाँ पे भी लगाया था, ये भी इनविजिबल हो चुका है, 90% इनविजिबल हो चुका है, बाकी बढ़िया से काम किया है इसने। और गाइस ये चीज़ तभी अच्छे से काम करेगी जब क्रेक है ना इतने लंबे चौड़े नहीं हो, बल्कि कोई छोटा सा क्रेक हो, तभी ये बढ़िया से काम करेगी और आपका क्रेक 100% इनविजिबल हो जाएगा। तो भाई अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इस किट को आप यूज़ में ले सकते हो। और आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है आज की वीडियो कैसी लगी, और सबसे ज़रूरी बात अगर चैनल पर नए आई हो ना तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर प्रेस। बाकी चलो ये चीज़ हुई, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।